हेलो एवरीवन, माय सर सीए काजल हिरोडिया। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अगर हम बात करें सीए फाउंडेशन लेवल की, तो सीए फाउंडेशन चैप्टर नंबर 2, दैट इज चैप्टर 2 में अगर हम लोग बात करें अकाउंटिंग प्रोसेस की, तो इसमें हमारे पास यूनिट नंबर 6 है रिलेटेड टू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। एंड अगर हम लोग बात करें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की, तो सीए फाउंडेशन लेवल पे कई बार रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से सीधे सीधे 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, जहां पे आपके पास 5 स्टेटमेंट्स होंगे, या कह लो कि 5 आपके पास एंट्रीज होंगी ऑफ 2 मार्क्स ईच। क्लियर? या फिर कई बार हमारे पास, ये तो एक पहला ऑप्शन हो गया, दूसरा ऑप्शन हो गया कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं, एक क्वेश्चन आएगा और यहाँ पे हमारे पास 3 एंट्रीज होंगी 2 मार्क्स ईच की। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की बात करें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीए फाउंडेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम लोग इसी पे पूरा डिस्कशन करने वाले। अच्छा, जो हम क्वेश्चंस करवाएंगे वो पूरा हमारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल से रहेगा, तो होपफुली हम सबके पास आईसीएआई की जो अभी रीसेंट, दैट इज फॉर नवंबर 2020 ऑनवर्ड्स, जो हमारे पास स्टडी मटेरियल है वो अवेलेबल होगी। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम पढ़ करके बताएंगे ही, तो आप एक बार चेक कर लेना। चलो हम लोग स्टार्ट करें अपना टॉपिक जो कि है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की बात करें तो ये हमारा ऑलरेडी क्लास 11th में एक पढ़ा हुआ टॉपिक है। क्लास 11th में हमने बहुत डिटेल स्टडी की होगी इसकी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की बात करें तो नाम से समझ में आ रहा है कि हम एरर की, दैट इज किसी गलती की या ओमिशन की बात कर रहे हैं, पहली चीज। अब देखो, अगर हम बात करें रेक्टिफिकेशन की, तो जब हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ड्रॉ करते हैं, चाहे वो जर्नल एंट्री पास करना हुआ, लेजर बनाना हुआ, ट्रायल बैलेंस में एंट्री पास करना हुआ, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज फाइनल अकाउंट्स बनाना हुआ, तो किसी भी स्टेज पे एरर तो हो ही सकता है। रीजन बीइंग कि ये जो सारा का सारा काम है, ये क्लरिकल वर्क है जो कि कोई एक पर्सन कर रहा है, और किसी भी पर्सन से एरर या ओमिशन हो सकता है। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में एरर की जो बात हो रही है वो कहाँ कहाँ अकर कर सकता है, मतलब ये जो एरर है वो किस किस स्टेज पे अकर कर सकता है, पहले हम लोग उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहला स्टेज है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये तो सबसे पहला हो गया। नेक्स्ट, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अभी हम सबका मतलब बताएंगे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स लिख रहे हैं। एंड लास्ट इज आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। देखो, हमने यहाँ पे लिखा है कि जो एरर्स है, जो गलती है, वो किस किस स्टेज पे अकर कर सकती है, एरर किस किस स्टेज पे अकर कर सकता है, हमने वो स्टेज मेंशन किया है। सबसे पहला स्टेज है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, कि अभी हमने ट्रायल बैलेंस बनाया नहीं है, ट्रायल बैलेंस मेंटेन करने के पहले ही अगर सारी की सारी गलती हो चुकी है। दूसरा स्टेज होता है कि ट्रायल बैलेंस तो बन करके रेडी हो गया, अब ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, या कह लो फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, दैट इज ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट। तो ट्रायल बैलेंस बन चुका है और गलती किसके बाद हो रही है, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, बट अभी तक हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दैट इज फाइनल अकाउंट्स का फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है, दैट इज वो फाइनल नहीं हुआ है, क्लोज नहीं हुआ है फॉर करंट ईयर। एंड लास्ट स्टेज होता है कि आपने ऑलरेडी अपने लास्ट ईयर के फाइनल अकाउंट्स को क्लोज कर लिया है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर कर ली है, एंड जो गलती है वो फिर भी उस फाइनल अकाउंट्स में अकर कर रही है, जिसको आप नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करो। क्लियर? अब देखो, अगर हम लोग फर्स्ट 2 पॉइंट्स की बात करें, तो ये हमने ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ा हुआ। ठीक है, ये दोनों टॉपिक कब का है बेटा, क्लास 11 का। एंड लास्ट पॉइंट अगर हम लोग बात करें, तो फ्रॉम सीए फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू
ये पॉइंट हमारे लिए नया है, यही पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है जिस पे आज हम लोग डिस्कशन करने वाले, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पॉइंट पे बोला था कि बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, देखो जब ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं है, सिंपली ट्रायल बैलेंस बनने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होता है। जब आपका ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, आप सिंपली क्या करोगे कि जिस भी अकाउंट में गलती हुई है, एरर हुआ है, ओमिशन हुआ, आप उसको करेक्ट कर लो। रीजन बीइंग कि ट्रायल बैलेंस बनने के पहले आप क्या करते हो कि जो लेजर्स आपने बनाए हैं उसके आप बैलेंसेस क्लोज करके या ट्रांसफर करते हो, अभी वो प्रोसेस तो हुआ नहीं है, तो आप प्रॉपर विदाउट ओपनिंग एनी फर्दर अकाउंट आप सीधे सीधे जो एरर्स ओमिशन है उसका रेक्टिफिकेशन कर लोगे। अच्छा, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, में आप खुद सोचो जब आपने ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस बना लिया है, ठीक, और आपके बुक्स में कहीं ना कहीं कुछ एरर है, तो उस केस में पहली चीज तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच ही नहीं करेगा, है ना। अगर वो एरर ओमिशन ऐसा है जिसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस अफेक्ट हो रहा होगा, तो उस केस में क्या होगा, आपको सस्पेंस अकाउंट की हेल्प लेनी पड़ती है, एंड सस्पेंस अकाउंट ओपन करना होता है सो दैट आप एरर्स का रेक्टिफिकेशन कर सको, क्लियर। एंड कुछ एरर्स एंड ओमिशन ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस बनने पे भी नहीं पता चलते हैं, तो सिंपली अगर ट्रायल बैलेंस बन चुका है बट फाइनल अकाउंट्स का प्रिपरेशन नहीं हुआ है, तो आप विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट सबकी एंट्री पास कर सकते हो, सारे एरर्स एंड ओमिशन को करेक्ट कर सकते हो, क्लियर। अब हम लोग चलेंगे लास्ट टॉपिक पे जो कि है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीए फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, खुद सोचो कि आपने ऑलरेडी अपना ट्रेडिंग पीएल बना लिया, आपने ऑलरेडी बैलेंस शीट बना लिया, ठीक है। जब हमने ट्रेडिंग पीएल बना लिया, बैलेंस शीट बना लिया, सारे के सारे बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड कर गए हैं नेक्स्ट ईयर में, तो उस केस में सस्पेंस अकाउंट तो ऑलरेडी आपका एग्जिस्ट कर रहा होगा, कहां जो आपने बैलेंस शीट कवर की है या फिर कह लो जो बैलेंस शीट आपने क्लोज की है वहां ऑलरेडी आपका सस्पेंस अकाउंट दिख रहा होगा, पहली चीज। और कई ऐसे एरर्स और ओमिशंस होंगे जो कि आपके बुक्स में नहीं भी दिख रहे होंगे, कुछ ऐसे एरर्स एंड ओमिशंस भी होंगे जो कि आपके बुक्स में नहीं दिख रहे होंगे, है ना। तो अब क्या होगा कि भाई पास्ट ईयर में हमने तो उसका रेक्टिफिकेशन नहीं किया, रेक्टिफिकेशन नहीं कर पाने का रीजन होगा कि हो सकता है हमारे पास टाइम पीरियड नहीं होगा, या फिर कह लो कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स को तुरंत क्लोज करके जो है सबमिट करना होगा, फाइनलाइजेशन करनी होगी बुक्स की, तो हमने जल्दी जल्दी में बुक्स को क्लोज कर लिया, ठीक है। कुछ एरर्स एंड ओमिशंस ऐसे होते हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखकर के पता नहीं चलता, जो टाइम के साथ पता चलता है। जैसे अगर मान लो आपने पूरी की पूरी कोई एंट्री स्किप कर दी, तो बट ऑफ डेबिट भी अफेक्ट हो रहा है, क्रेडिट भी अफेक्ट हो रहा है, तो उस केस में आपको कभी भी नहीं पता चलेगा कि वो एरर एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो हो सकता है कि उस एरर के बारे में हमें नेक्स्ट ईयर पता चले, क्लियर। और ये जो सस्पेंस अकाउंट जो हमने खोला था लास्ट ईयर, जहां पे हमें पता था कि कुछ ना कुछ तो बुक्स में हमारी गलती है, बट क्या है वो हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए थे, और उसका रिकॉग्निशन हो रहा है नेक्स्ट ईयर, तो उस केस में सस्पेंस अकाउंट का तो अभी भी आप हेल्प ले सकते हो, ठीक। इसके साथ साथ हम लोग हेल्प लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की। अब इसी पे मेरे को डिस्कशन करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का हम हेल्प क्यों लेते हैं और किस तरीके से लेते हैं, इसको अगर नोट करना है तो कर लो, फिर हम लोग चल रहे हैं अपने आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। रब करें, एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो क्वेश्चन करना बहुत इजी होगा, ठीक है। करेक्शन इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, ये हमारा टॉपिक का हेडिंग है। अगर तुम लोग इंस्टीट्यूट की मैट में देखोगे तो यही हेडिंग दी हुई है। अब इसका पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। देखो हमने ये चीज बोली कि हमारा जो एरर था वो कब था, लास्ट ईयर में, मतलब लास्ट ईयर की बुक्स आपने ऑलरेडी क्लोज कर दी है और आप कहाँ पे हो, करंट ईयर में हो, तो लास्ट ईयर की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने मेंटेन की है उसमें आपके कुछ एरर्स कुछ ओमिशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक। तो उसका रेक्टिफिकेशन हम कैसे करते हैं वो आप लोगों को देखना है, क्लियर। देखो एरर्स एंड ओमिशंस है, मतलब लास्ट ईयर हमने अपनी बुक्स क्लोज की, हमें इनके बारे में पता ही नहीं चला, पहली चीज तो ये हो सकती है। तो लास्ट ईयर में जो भी एरर्स ओमिशंस थे वो किसी रीजन से हो सकता है कि आपने रिकॉग्नाइज नहीं किया, ठीक। एरर मतलब क्या होता है कि कई बार एरर मतलब कि जब आपने कोई गलती की और ओमिशन मतलब जब
आपने वो पूरी पूरी एंट्री पास करना आप भूल गए या फिर लेजर में उसको पास करना भूल गए। अब इसके बारे में आपको कब इन्फॉर्मेशन मिल रही है? इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है करंट ईयर में, क्लियर। तो अब जो ये एरर्स है ये किससे रिलेटेड होगा? बेसिकली ये रिलेटेड होगा हमारा रियल अकाउंट से या पर्सनल अकाउंट से या नॉमिनल अकाउंट से, है ना? एरर तो और किसी तरह का हो नहीं सकता। तो लास्ट ईयर का जो रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट होगा इसको तो आपने कैरी फॉरवर्ड किया होगा करंट ईयर के लिए। हम लोग यही करते हैं ना कि जो भी रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट होता है उनके लेजर को क्लोज नहीं करते हैं बल्कि उनके बैलेंसेस को कैरी डाउन कर देते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। बट अगर नॉमिनल अकाउंट का रूल अपने को याद हो तो नॉमिनल अकाउंट का जितना भी हम लेजर ड्रॉ करते हैं उसके बैलेंसेस को हम हमेशा ट्रांसफर कर देते हैं आइदर ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट में। क्या हम उसको करंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करते हैं? नहीं, हम उस लेजर के जो भी बैलेंसेस होते हैं ना उसको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में, क्लियर। तो हमने उसको तो ट्रेडिंग पीएल में ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया होगा लास्ट ईयर का जो भी हमारा लेजर बना होगा रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट उसके बैलेंसेस को हमने कहाँ ट्रांसफर किया होगा? ट्रेडिंग पीएल में। तो लास्ट ईयर के ट्रेडिंग पीएल में हमने ट्रांसफर किया और लास्ट ईयर का हमने जो भी प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया होगा उसी के बेसिस पे हमने टैक्स का सबमिशन किया होगा और इस प्रॉफिट लॉस को हमने कहाँ ट्रांसफर किया होगा? ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। यहां तक तो हमें लगता है कि सबको क्लियर होगा, ठीक है? तो होपफुली ये पॉइंट तुम लोग को क्लियर है। अच्छा, आप देखो रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट का तो बैलेंसेस ऑलरेडी कैरिड डाउन है, मतलब करंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड किया है, तो इसमें तो हम चेंज कर सकते हैं, इसमें हम करेक्शन कर सकते हैं। हमें दिक्कत कहाँ होती है? नॉमिनल अकाउंट में। जो नॉमिनल अकाउंट है उनके बैलेंसेस तो दिख ही नहीं रहे, उन सबको तो हमने ट्रांसफर कर दिया था ट्रेडिंग पीएल में। तो अब आप खुद सोचो कि जो पिछले साल की गलतियां थी रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट अगर वो आप करंट ईयर की बुक्स में ट्रांसफर करोगे तो आप क्या बोलोगे कि मैम इसका लेजर तो ऑलरेडी हमने जो बनाया था उसके बैलेंसेस को हमने ट्रेडिंग पीएल में ट्रांसफर कर दिया था, तो आप उस एक्सपेंसेस को या लॉसेस को, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में हम क्या दिखाते हैं? सिर्फ एक्सपेंसेस दिखाते हैं या इनकम दिखाते हैं। तो आप ये बोलोगे कि मैम एक्सपेंसेस एंड इनकम को क्योंकि हमने उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया था या फिर कह लो कि उसके बैलेंसेस को हमने ट्रांसफर कर दिया था ट्रेडिंग पीएल में, तो आप ऐसा करिएगा कि लास्ट ईयर की कोई भी एरर जो कि नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होगी उसको आप उस एक्सपेंस या इनकम के नाम से ना डाल करके रेक्टिफिकेशन किससे करिएगा? ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट से, यही बोलोगे ना? ये मेरा पॉइंट क्लियर है ना? देखो आगे मेरे को इसी के कंटिन्यूटी में एक पॉइंट अभी बताना है। ये सब नोट करने वाली चीज नहीं थी इसलिए हम रब कर दे रहे हैं। अब आप बोलोगे कि मैम जो भी नॉमिनल अकाउंट में आपने एरर किया है कोई दिक्कत नहीं है उस, ये सब लास्ट ईयर वाले जो भी एरर थे रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट उनको जब हम करंट ईयर में ट्रांसफर करेंगे तो हम उसका रेक्टिफिकेशन किस नाम से करेंगे? हम लोग कर लेंगे रेक्टिफिकेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, है ना? बट अब देखो अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से रेक्टिफिकेशन करेंगे तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी? ये जो हमारा रूल है हम लोग ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में जो करंट ईयर से रिलेटेड इनकम एक्सपेंसेस होता है सिर्फ उसी को शो कर सकते हैं क्योंकि यही रूल है ना। अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम वो इनकम और एक्सपेंसेस दिखाते हैं जो कि करंट ईयर से रिलेटेड है। पास्ट ईयर के जितने भी इनकम एक्सपेंसेस और फ्यूचर ईयर के जो भी इनकम एक्सपेंसेस हम उनको क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं, ठीक। तो अगर हम लोग पीएल अकाउंट के नाम से रेक्टिफिकेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे करंट ईयर की जो बुक्स है वो अफेक्ट हो जाएगी। और आप सोचो कि आप जो पीएल अकाउंट के नाम से रेक्टिफिकेशन कर रहे हो उसकी वजह से करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में आपके पास जो इनकम एक्सपेंसेस दिखेंगे वो किससे रिलेटेड होंगे? लास्ट ईयर से रिलेटेड होंगे ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि पीएल अकाउंट की हेल्प ना लेकर के हम लोग यहाँ पे एक नया अकाउंट इंट्रोड्यूस करते हैं। चाहे तो तुम लोग ऐसे नहीं, ये लिख लो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, एक तो ये ऑप्शन दिया गया है और एक ऑप्शन दिया गया है प्रायर पीरियड आइटम, वो आइटम जो पिछले साल से रिलेटेड हो। तो प्रायर पीरियड आइटम मतलब वो एरर्स और ओमिशंस जो कि पास्ट ईयर से रिलेटेड हो और उसका रेक्टिफिकेशन आप करंट ईयर में कर रहे हो, या हम लोग कह सकते हैं उसको पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट कि जो भी एरर आपने पास्ट ईयर में किए होंगे, जो भी ओमिशन हमने पास्ट ईयर में किए होंगे किससे रिलेटेड? नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड, उसको अगर हमें करंट ईयर के बुक्स में रेक्टिफाई करना है तो हम किसकी हेल्प से करेंगे? विद द हेल्प ऑफ पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, क्लियर है?
आप सब आ जाओ बुक पे, देखो पेज नंबर 2.104 पे करेक्शन इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड दिया है। जितना हमने बोर्ड पे डिस्कशन किया है ना बेटा, वो पूरा का पूरा पॉइंट यहाँ दो पैराग्राफ में मेंशन किया है। तो एक बार ये दोनों पैराग्राफ आप पढ़ लेना, एग्जाम में नो डाउट इससे थ्योरी नहीं आएगी, आएगी तो न्यूमेरिकल आएगी। तो एक बार आप ये पूरी थ्योरी रीड कर लेना सो दैट आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। और ये भी क्लियर हो जाएगा कि जो बोर्ड पे लिखा है वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, इसलिए हमने बोला था कि बोर्ड से कुछ भी नोटिंग करने की जरूरत नहीं है। चलो इलस्ट्रेशन 8 पे चलते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। लिखा मिस्टर रॉय वाज अनेबल टू अग्री द चार्ज बैलेंस लास्ट ईयर एंड रूट ऑफ द डिफरेंस टू द पीएल अकाउंट ऑफ दैट ईयर। पिछले साल पीएल में कुछ उनकी प्रॉब्लम थी, डिफरेंस था। नेक्स्ट ईयर ही अपॉइंटेड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टू एग्जामिन द ओल्ड बुक्स एंड फाउंड द फॉलोइंग मिस्टेक्स। अब देख रहे हो नेक्स्ट ईयर की बात होगी कि अगले साल सीए को अपॉइंट करो और उसे कह रहा है कि कुछ कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कुछ हमारे ओल्ड बुक्स में मिस्टेक है, आप उसको करेक्ट कर दो या रेक्टिफाई कर दो। लास्ट में लिखा है मिस्टर रॉय यूज 10% डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल्स, सजेस्ट द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। हमें सिर्फ रेक्टिफिकेशन एंट्रीज बताना है, ठीक है। तो बेसिकली जो हम लोग रेक्टिफिकेशन एंट्रीज बताएंगे वो क्या है बेटा, जर्नल एंट्री है, तो पूरा फॉर्मेट के साथ हम लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। चलो इलस्ट्रेशन 8 है और हमने पहले बताया था कि सिर्फ दो क्वेश्चन हमारे पास बुक में दिया हुआ है। मिस्टर रॉय की बुक है ना, तो यहाँ लिख देते हैं मिस्टर रॉय या फिर पूरा लिख देते हैं इन द बुक्स ऑफ, ठीक है। देखो फॉर्मेट हम पूरा यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रॉय, क्योंकि एग्जाम में ना फॉर्मेट बहुत मैटर करता है बेटा। हम लोग फॉर्मेट को ध्यान ही नहीं देते हैं, हम लोग को आंसर तो आता है बट हम लोग फॉर्मेट पे उतना ज्यादा फोकस नहीं करते। जर्नल एंट्रीज, ठीक है, और जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट, कितना कॉलम बनता है बेटा, 5 कॉलम, हमें पता है, सबको पता होगा ये। पहला कॉलम होता है डेट का, फिर होता है पर्टिकुलर्स जिसमें हम एंट्री लिखते हैं, फिर एलएफ तो बहुत छोटा सा होगा, है ना, और फिर हमारे पास जो दो कॉलम होता है वो किससे रिलेटेड होता है, अमाउंट, अमाउंट, और यहाँ ऊपर हमेशा आदत डालना इन रुपीज डालने की, ठीक है। एक दो एंट्री हम पूरे पूरे प्रोसेस से बताएंगे और उसके बाद फिर डायरेक्ट हम लोग एंट्री करेंगे। अच्छा अब देखो ये क्या है, ये रफ है, इसको नोट करेंगे क्या, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये तुम लोग को समझने के लिए या फिर कह लो तुम लोग को प्रॉपर समझाने के लिए लिखना है। देखो फर्स्ट एंट्री क्या लिखी है बेटा, कह रहा है परचेज ऑफ अ स्कूटर वाज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट। आपने क्या खरीदा, स्कूटर खरीदा, मतलब हमें कैपिटलाइज करना था और हमने उसको कहाँ डाल दिया, कन्वेंस में, दैट इज हमने उसको किस तरीके से ट्रीट किया है, रेवेन्यू आइटम की तरह। तो देखो तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम लोग डालते हैं करेक्ट एंट्री, होनी क्या चाहिए भाई, अगर हमने स्कूटर खरीदा है तो मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट टू कैश, यही होनी चाहिए थी। हाँ मैम, ये रफ है, एकदम रफ ड्रॉ करेंगे। हमने एंट्री क्या की, जो हमने रॉन्ग एंट्री पास किए बच्चे, वो क्या है, हमें लगा कि ये कन्वेंस के लिए है, आने जाने के लिए, भाड़े के लिए, तो हमने इसको दिखा दिया कन्वेंस, ठीक। अब तीसरा स्टेप क्या होता है कि जो रॉन्ग एंट्री आपने की है इसको आप नलीफाई करते हो, तो नलीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, बट ऑफिस रिवर्स करेंगे, जिसको डेबिट किया था उसको क्रेडिट करो और जिसको क्रेडिट किया था उसको डेबिट कर दो। किसी भी चीज को अगर हम रिवर्स कर दे तो वो ऑटोमेटिकली नलीफाई हो जाएगी, क्लियर है। ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकेंड स्टेप है। अब थर्ड स्टेप, इस वाली एंट्री को इस वाली एंट्री के साथ कंपेयर करते हैं, यही करते थे क्लास 11th में। कई लोग डायरेक्ट एंट्री पास करना भी सीखे हो और कई लोग इस पैटर्न पे भी सीखे हो, तुम लोग को जो कॉन्सेप्ट इजी लगेगा वही फॉलो करना। तो हमने कहा कि ये जो करेक्ट एंट्री है इसको नलीफाइड एंट्री के साथ हम लोग को मैच कराना है, क्योंकि ये वाली एंट्री तो ऑलरेडी बुक्स में है ही है। तो देखो अगर मोटर व्हीकल टू कैश, कैश टू कन्वेंस की बात करें तो कैश कैश कट जाएगा, बचेगा क्या, मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट टू कन्वेंस अकाउंट, क्लियर है। हाँ मैम क्लियर है। अच्छा एकदम लास्ट में क्लाइंट बोला है कि मोटर व्हीकल पे डेप्रिसिएशन भी देना था। भाई हमने तो रॉन्ग एंट्री मान करके क्या किया था, हमने तो उसको कन्वेंस में दिखाया था, हमने तो उसको असेट की तरह ट्रीट ही नहीं किया, तो अब उस पर डेप्रिसिएशन भी तो लगेगा। इसको ऊपर को नोट कर लो तो फिर हम इसको कनेक्ट करें, ऊपर की बस 3 एंट्री नोट कर लो। चलो देखो डेप्रिसिएशन की भी एंट्री होनी थी बेटा। अच्छा उसके पहले एक बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमने क्या लिखा, मोटर व्हीकल टू कन्वेंस,
क्या ये एंट्री हम लोग कर सकते हैं इसको मुंह पर, ठीक है, क्या ये एंट्री हम लोग को करनी चाहिए? नहीं, क्योंकि कन्विंस क्या है, खर्चा है, एक्सपेंस है जो कि हमने ट्रांसफर कर दिया था पीएल अकाउंट में, तो कायदे से हमें किसके नाम से लिखना चाहिए? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया भाई कि जो भी तुम्हारे इनकम एक्सपेंसेस होंगे वो नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट को हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया था पिछले साल? पीएल अकाउंट में। पीएल अकाउंट लिख नहीं सकते, इसलिए वर्ड क्या यूज करेंगे? पीएल एडजस्टमेंट। अब डेप्रिसिएशन वाली एंट्री देखो क्या होनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें तो कोई एंट्री पास ही नहीं किया, ओमिशन है ना एक तरह से, तो करेक्ट एंट्री पास कर दो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर व्हीकल, कितने से? 10% है 3000 रुपए, तो 300। कोई दिक्कत नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं। तो एक तो ये करेक्ट एंट्री हो गई और दूसरी ये करेक्ट एंट्री हो गई, ठीक। बट क्या डेप्रिसिएशन लिख सकते हैं? अगेन नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर इस साल के बुक्स में तुमने डेप्रिसिएशन दिखा दिया तो क्या माना जाएगा कि वो करंट ईयर से रिलेटेड है, और हमने पहले ही बताया कि करंट ईयर के पीएल में सिर्फ वो एक्सपेंस और इनकम लिखते हैं जो कि करंट ईयर से रिलेटेड है, तो ये कौन सा डेप्रिसिएशन है जो लास्ट ईयर से रिलेटेड है, तो इसको हम लोग किसके नाम से लिखेंगे बेटा? पीएल एडजस्टमेंट। अब देखो इन दोनों की कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं। देखो पहली एंट्री हो गई मोटर व्हीकल टू पीएल एडजस्टमेंट, रफ लिख रहे एकदम, और ये दूसरी एंट्री हो गई पीएल एडजस्टमेंट टू मोटर व्हीकल, है ना? तो मोटर व्हीकल 3000 डेबिट है और 300 क्रेडिट है, तो फाइनल एंट्री मेरी क्या बनेगी? मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट 2700, सेम फॉर पीएल एडजस्टमेंट। हमें नहीं लगता कि इसमें किसी को भी कोई दिक्कत होगी, तो ये मेरी करेक्ट एंट्री है, ठीक है। देखो हम यहाँ पे फर्स्ट एंट्री पास करें, और देखो क्वेश्चन में हमारे पास डेट नहीं दिया, तो तुम लोग के समझने के लिए हम यहाँ पे फर्स्ट एंट्री लिख रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट एंट्री हम यहाँ पे पास करेंगे, मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, और वो तुम लोगों को सिर्फ समझाने के लिए लिखा है और किसी भी पर्पज से नहीं है, तो बस वहां से ये चीज कॉपी करनी है। कितनी? 2700, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, अपने समझने के लिए लिखना हो तो लिख सकते हो, ठीक है। अब जब नरेशन लिखना होता है ना, तो जो स्टेटमेंट लिखा हुआ उसमें वही चीज यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। परचेज ऑफ अ स्कूटर रॉन्गली चार्ज्ड टू कन्वेंस, ठीक, फिर सीधे सीधे नाउ रेक्टिफाइड, क्लियर है, ठीक है। अब चलो बेटा सेकेंड एंट्री पे, देखो सेकेंड एंट्री में क्या लिखा है, कह रहा है परचेज अकाउंट वाज ओवरकास्ट बाय 10,000। ओवरकास्ट नहीं समझते तो बताते हैं, अंडरकास्ट मतलब होता है कोई चीज घट के दिखना, और ओवरकास्ट होता है कोई चीज बढ़ के दिखना, ठीक है। अगर हम बात करें परचेज अकाउंट की, तो परचेज अकाउंट हमारे लिए क्या है? एक तरह का एक्सपेंस है, तो परचेज हमेशा किसमें आता है? डेबिट में आता है, ठीक है। बट अगर ये बढ़ करके दिख रहा है तो हमें क्या करना है? इसको घटाना है ना। अगर परचेज अकाउंट बढ़ करके दिख रहा है, ओवरकास्ट है, तो हम क्या करेंगे? घटाएंगे, और घटाने के लिए हम सीधे सीधे कहाँ लिखेंगे बेटा? टू परचेज अकाउंट, क्योंकि डेबिट में अगर बढ़ के दिख रहा है तो क्रेडिट करके घटा देंगे, ठीक। इसके अलावा और कुछ नहीं बोला है तो हम किसकी हेल्प ले लेंगे? सस्पेंस अकाउंट की हेल्प लेंगे। परचेज अकाउंट के अलावा और कोई अकाउंट नहीं बोला है तो हम किसकी हेल्प ले लेंगे? सस्पेंस अकाउंट की। अब देखो क्या तुम परचेज अकाउंट लिख सकते हो? नहीं मैम, क्योंकि किसका आइटम है? ये ट्रेडिंग पीएल का आइटम है, और इसको ट्रांसफर कर दिया गया होगा कहाँ? टू पीएल अकाउंट। देखो कितने अमाउंट से? 10,000 से, या बताओ कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या बता रहे कि पहले तुम लोग सिंपली एंट्री पास कर लो जैसे अभी तक पास करते आए हो, फिर जितने भी आइटम्स रिलेटेड टू ट्रेडिंग पीएल है उन सब में आपको कट करके सीधे सीधे क्या लिखना है? पीएल एडजस्टमेंट। दूसरी एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। हाँ मैम, ये वाला पॉइंट हम लोग को समझ में आया, तो यहाँ क्या लिखेंगे? परचेज बुक ओवरकास्ट नाउ रेक्टिफाइड, ठीक है। परचेज बुक वॉज ओवरकास्ट नाउ रेक्टिफाइड, क्लियर। अब हम लोग इस पे चलेंगे बेटा थर्ड एंट्री पे। देखो थर्ड एंट्री क्या लिखी हुई है? थर्ड एंट्री में लिखा है अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पी फॉर ₹2000 एंटर्ड एज अ सेल। आपने उधार पे गुड्स खरीदा किससे? पी से, और उसको गलती से कहाँ डाल दिया? सेल में। कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम उसी तरीके से कर रहे हैं, रॉन्ग एंट्री करेक्ट एंट्री करके। अगर हमने उधार पे गुड्स खरीदा है तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू पी,
कितने से होनी चाहिए थी? 2000 से। ठीक है, और हमने इसको डाला कैसे? हमने इसको सेल की तरह ट्रीट किया, तो हमने एंट्री क्या की होगी मिस्टर पीटू सेल? 2000 से। अब ये जो रॉन्ग एंट्री है इसको खत्म करने के लिए, नलीफाई करने के लिए हम इसको रिवर्स करेंगे। कर दिया रिवर्स। अब ये एंट्री और ये एंट्री कंपेयर कर ले, तो एंट्री मेरी फाइनल एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट डेबिट, और क्योंकि ये रफ है तो एकदम रफ लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, टू मिस्टर पी। मिस्टर पी कितना हो जाएगा बेटा? 4000, और ये 2000, ये 2000। पर अब बताओ क्या परचेज और सेल लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि ये कौन सा आइटम है? ट्रेडिंग पीएल का, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर पी, कितने से? 4000 से। क्लियर है? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर पी, और अमाउंट डबल हो जा रही है। यहाँ क्या लिखेंगे? बीइंग, अरे बीइंग मत लिखो, बीइंग लिखने की जरूरत नहीं है। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स टू मिस्टर वाई, मिस्टर पी रॉन्गली ट्रीटेड एज सेल्स, नाउ रेक्टिफाइड। ठीक, नेक्स्ट देखो, हम लोग देख रहे हैं फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री क्या है? फोर्थ देखो बेटा, लिखा है कि रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए वॉज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी 1000। कैश किससे मिला? ए से मिला, तो एंट्री हमें क्या करनी चाहिए थी? कैश टू ए। हमने गलती से किसके बुक्स में दिखा दिया? कह रहा है वॉज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी, हमने हमें ये लगा कि पैसा किससे मिला है? बी से मिला, तो कैश टू बी करेंगे। इसको रेक्टिफाई करने के लिए बी टू कैश, है ना, इसको इसको कंपेयर कर लो, कैश कैश कट जाएगा, एंट्री क्या होगी? बी टू ए। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों ही हमारे लिए क्या होंगे? डेटर होंगे। डेटर मतलब सीधे सीधे पर्सनल अकाउंट हो गया, और पर्सनल अकाउंट का बैलेंस हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो उसको हम अफेक्ट कर सकते हैं। मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट। ठीक है, देखो आई एम स्टिल बोलिगन। हाँ, कितने अमाउंट से है बेटा? 1000। और सीधे सीधे नरेशन तो यहीं से कॉपी करना है। रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम ए रॉन्गली पोस्टेड टू बीज अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड, है ना, हो गया बड़ा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिफ्थ वाला पॉइंट कह रहा है रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर सी वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। ये वाला पॉइंट समझो, कैश आपको किससे मिला? सी से मिला है, तो सिंपली एंट्री क्या होनी चाहिए थी भाई? कैश टू सी होनी चाहिए थी। अब नेक्स्ट जहां तुम लोग गलती करते हो, देखो लिखा है वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, सी का अकाउंट बना, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, है ना, आना कहाँ चाहिए था? कैश टू सी, क्रेडिट में आना चाहिए था, और आपने गलती से, ये तो दिखाया नहीं, आपने गलती से कहाँ दिखाया है? डेबिट में। ये क्लियर है? तो अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा? बाय कैश करना होगा। देखो ना, इसको रेक्टिफाई कर दिया बाय कैश करके, और टू कैश और बाय कैश करके, और ये तो ओरिजिनल एंट्री है तुम्हारी बाय कैश। ठीक है, तो हम यहाँ पे एंट्री वाइज करें कि हमने गलती से डाला था सी टू कैश, क्योंकि हमने अब रेक्टिफाई करके कैश टू सी कर दिया। इसको इसको कंपेयर करोगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट होगा। बट देखो सिंपली इसमें लिखा क्या था, हमने ये एंट्री क्यों पास की है समझाने के लिए, कि देखो लिखा था कि रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर सी वॉज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, इसका मतलब कैश के अकाउंट में, कैश के लेजर में तो सही दिखाया होगा। जब इस तरीके से क्वेश्चन बोलता है इसका मतलब कि कैश लेजर उसने सही दिखाया होगा, उसने गलती कहाँ की है? सिर्फ और सिर्फ सी के अकाउंट में, उसने गलती कहाँ की है बेटा? सिर्फ सी के अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा?
सस्पेंस अकाउंट। और सी तो हम दिखा सकते हैं, रीजन बीइंग कि वो मेरे पास क्या हो गया, मेरे लिए डेटर क्रेडिटर होगा तो उसको हम यहाँ पे दिखा सकते हैं बाय नेम। तो फिफ्थ एंट्री क्या बन गई, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज अकाउंट। ठीक है, बट यहाँ पर डबल अमाउंट से एंट्री होगी। डबल अमाउंट कितना हो जाएगा, देखो 500 है तो 1000 हो जाएगा ना 1000, क्योंकि पहले तो आपको 500 की करेक्ट एंट्री पास करनी है और बाकी जो 500 की आपने गलत एंट्री पास की थी उसको आप रेक्टिफाई करो। तो 500 ये प्लस 500 ये, और यही इसलिए हमने यहाँ से दिखा दिया कि भाई आपने पहले 500 यहाँ दिखाया था तो उसको कैंसिल करने के लिए हमने 500 यहाँ दिखाया, और ओरिजिनल एंट्री में 500 एक्चुअल में बाय कैश आना चाहिए था। तो ओवरऑल एंट्री कितने से पास होगी, 1000 से। नरेशन लिख दे, नरेशन यहीं से लिखो, रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम सी वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट बींग रेक्टिफाइड, ये नाउ रेक्टिफाइड। सब में हम लोग ये कर रहे हैं, पूरा नरेशन लेकर के हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, तो जब इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा तो उसका मतलब सिर्फ उस पर्टिकुलर पर्सन के अकाउंट में हमने गलती की है, ना कि कैश अकाउंट में। इसको प्लीज जल्दी से नोट कर लो, फिर बाकी एंट्रीज हम डिस्कस कर रहे हैं। चलो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एंट्री, जो कि एंट्री नंबर 6, हम इसको रब कर रहे हैं। टॉपिक अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल है, बस ये कि तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि तुम लोग के लिए थोड़ा सा नया टॉपिक है। तो उसमें तो कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल, जैसे अपने पहले सीखे थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री वही चीज करनी है और कुछ नहीं। बस कहाँ पे चेंज आएगा, चेंज आएगा जहां पे भी हमारा एक्सपेंस और इनकम होगा रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, वहां पे हम उसको कट करके पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट की हेल्प से एंट्री पास करेंगे। चलो अब देख रहे हैं 6 पॉइंट। कह रहा है ₹500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू वाज ओमिटेड टू बी टेकन टू द ट्रायल बैलेंस। कोई दिक्कत ही नहीं है, कह रहा है कि ₹500 ड्यू था किससे, मिस्टर क्यू से, वाज ओमिटेड टू बी टेकन टू द ट्रायल बैलेंस, वो हम ट्रायल बैलेंस में ले जाना भूल गए। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे एंट्री पास करेंगे, मिस्टर क्यू है ना, मतलब अभी हमें इतना पैसा इनसे मिलना है और ये पैसा इनसे ड्यू है और इसको हमने बुक्स में नहीं पास किया। क्लियर है ना ये पॉइंट। तो ये कह रहा है कि हमारा ट्रेड रिसीवेबल है या कह लो डेटर्स है जिनसे अभी हमें पैसे मिलने हैं, और क्योंकि हमने इसको नहीं दिखाया तो अब दिखा देंगे। क्लियर, सिंपली डेटर अकाउंट घट करके दिख रहा था, हमने जो ओमिशन किया था उसके अकॉर्डिंग डेटर्स को बढ़ा करके दिखा दिया, और डेटर्स अकाउंट हम दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा सीधे क्या लिखेंगे, ₹500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू वॉज ओमिटेड, है ना, मतलब हमने उसको बुक्स में नहीं दिखाया था, नाउ रेक्टिफाइड। तो इसमें कुछ करना नहीं था, इसलिए हम उसका कुछ भी रफ नहीं बताए। ठीक है, अब आओ 7 पॉइंट पे। कह रहा है सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर 2000 वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। ये भी सिंपल है, कह रहा है कि कमीशन हुआ है, आपने आर को सेल किया था तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, आर टू सेल होनी चाहिए थी, आपने एंट्री पास नहीं की है तो अब सीधे सीधे क्या करोगे भाई, जब लिखा है कि एंट्री नहीं पास की है इसका मतलब दोनों ही लेजर में आपने गलती की है, तब आप एंट्री पास कर दोगे। बस इतना है कि सेल की जगह हम क्या डालेंगे बेटा, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डालेंगे। ठीक है, आर्स अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। होपफुली ये चीज तुम लोग को एकदम क्लियर होगी कि पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट की हेल्प हम क्यों ले रहे हैं। और जब ओमिशन बोला है ना, तो ओमिशन मतलब क्या कि एंट्री पास करना ही भूल गए, तो दोनों ही जगह गलती होगी। बींग, हम बार बार बींग लिख रहे हैं, बींग लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर बींग ओमिटेड
नाउ रेक्टिफाइड। लास्ट एंट्री पे चलते हैं। लास्ट एंट्री कह रहा है अमाउंट ऑफ 2395 ऑफ परचेज वाज रॉन्गली पोस्टेड टू 2593, मतलब परचेज अकाउंट को आपने बढ़ा करके दिखाया। 2395 डालना था बट डाला कितना 2593, मतलब आपने बढ़ा करके दिखाया। जब आप बढ़ा के दिखा रहे हैं मतलब परचेज अकाउंट ओवरकास्ट है, और ओवरकास्ट मतलब बढ़ करके दिख रहा है, तो उस केस में एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, सस्पेंस टू परचेज, यही होगी। ठीक है, और परचेज को हम सीधे सीधे कैसे दिखा देंगे, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट से। बट अमाउंट कितना दिखाएंगे वो देखो, अमाउंट दिखाएंगे 2593 माइनस 2395, क्योंकि भाई 2395 तो होना ही था, जितना बढ़ करके दिख रहा है सिर्फ हम क्या करेंगे उतना वहां पे घटा देंगे। ठीक है, जितना बढ़ करके दिख रहा है उतना घटा देंगे। तो लास्ट एंट्री हम लोग को पास कर लेते हैं, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। प्लीज हम लोग एडजस्टमेंट पूरा लिखना है, एडीजे मत लिख देना, माइनस करने पे आएगा 198। बीइंग नरेशन में जो लिखा है वही लिखेंगे, बीइंग परचेज बुक वाज ओवरकास्ट नाउ रेक्टिफाइड। ओवरकास्ट का हमने रेक्टिफाई कर दिया। यहाँ तक होपफुली तुम लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, बट अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। देखो अब इसमें क्या है कि तुम्हारे पास दो एक्स्ट्रा अकाउंट दिख रहे हैं, सस्पेंस अकाउंट एज वेल एज पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो जो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है और जो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस है, सिंपली कि वो पास्ट ईयर से रिलेटेड है, वो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, एंड पास्ट ईयर का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट में एडजस्टेड है। तो आप क्या करोगे कि जो भी सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आ रहा है और जो भी पीएल अकाउंट का अभी भी फर्दर बैलेंस आएगा पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट का, उसको आप कहाँ ट्रांसफर कर दोगे बेटा, जो इस कंपनी के ओनर है दैट इज मिस्टर रॉय, उनका जो कैपिटल होगा कैपिटल अकाउंट में हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, तो ये एंट्री नोट कर लो, फिर उसको रब करके हम दो अकाउंट आपके लिए बनाने वाले हैं, दो लेजर बनाने वाले बेसिकली, फर्स्ट इज सस्पेंस अकाउंट एंड सेकेंड इज पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। जल्दी जल्दी बना ले। अब देखो मेरे पास वो एंट्रीज है नहीं, बुक में ही मेरे पास एक साइड एंट्री दी हुई है, हम वहीं से देख करके बनाने वाले हैं। क्या क्या बनाएंगे, पहले बनाएंगे सस्पेंस अकाउंट। वैसे तो हम लोग चाहें तो डायरेक्टली कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, बट वो सही तरीका नहीं है, एग्जाम में मेंशन हो ना हो हमें ये चीज बनानी पड़ेगी। ठीक, पहला सस्पेंस अकाउंट हो गया, फिर हो गया पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। कुछ नहीं करना है, जो एंट्री पास किया है ना बस वही बाई और टू में डाल देंगे। सबसे पहले देखो बाई मोटर व्हीकल हो जाएगा, सबसे पहली एंट्री जो थी बाई मोटर व्हीकल अकाउंट 2700। ठीक है, दूसरी एंट्री देखो, यहाँ पे हम इसलिए एंट्री नंबर भी डाल दे रहे, डेट कॉलम नहीं दिया है, मतलब अगर डेट की बात करें तो डेट नहीं दी है तो आप लोग डैश भी कर सकते हो, बट ये आपके समझने के लिए हम 1 2 कर रहे हैं, आप लोग क्या करोगे डैश कर दोगे। नेक्स्ट देखो, बोला था सेकेंड एंट्री जो हमारी आई थी वो सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट आई थी, तो सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट 10,000, और ये क्या कहा जाएगा बेटा, यहाँ पे बाई सस्पेंस है ना। थर्ड एंट्री देखो, पीएल एडजस्टमेंट टू पीज अकाउंट कराए थे जो सेल परचेज वाला था, तो पीएल एडजस्टमेंट टू पीज है ना, तो ये यहां चला जाएगा PL adjustment to fees account. कितने से है बेटा, 4,000। नेक्स्ट देखो B2A, अब B2A में तो ना PL adjustment है ना suspense है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्थ एंट्री थी suspense to seize, तो ये जाएगा to seize account. कितना है 1,000। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल टू सस्पेंस, यहां जाएगा by side by ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, कितने से 500 से। सेवेंथ एंट्री देखो, सेवेंथ एंट्री थी आर्स अकाउंट टू पीएल एडजस्टमेंट, तो यहां चला जाएगा बाय आर्स अकाउंट, कितने हैं 2,000। एंड लास्ट एंट्री हमने पीएल एडजस्टमेंट की थी, तो वो हो जाएगी तुम्हारी सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट, तो यहां लिख देंगे टू पीएल एडजस्टमेंट
डिफरेंस था कितने का, 198 का, और यहाँ लिख देंगे 8। देखो 8 की डबल एंट्री है, बाय सस्पेंस अकाउंट 198। जल्दी से सब कैलकुलेटर निकालो, सब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं जल्दी से। चलो देखो यहाँ पे 10,000 प्लस 1198 माइनस 500, यहाँ बैलेंस बच रहा है 10,698 का। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमने क्या बोला कि ये बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करेंगे, बाय रॉयस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 11,198 क्लियर। वैसे ही पीएल एडजस्टमेंट में देख लेते हैं, वो साइड बड़ा है तो 12, ये टोटल आ रहा है मेरे पास 14,898। तो इधर भी मेरे को उतना ही चाहिए, 14,898 माइनस 4,000 अगर हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 10,898। ये कहाँ चला जाएगा बेटा, टू रॉयस कैपिटल अकाउंट। क्लियर, अब देखो इसके लिए हमने 8 एंट्री पास की थी, अब 9th एंट्री उसके बेसिस पे हो जाएगी, रॉयस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो इससे क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाएगा, रीजन बीइंग कि करंट ईयर का तो उसमें कुछ रेक्टिफिकेशन था भी नहीं, सब रेक्टिफिकेशन कब का था, लास्ट ईयर का 10,698 है, बीइंग सस्पेंस अकाउंट ट्रांसफर टू रॉयस कैपिटल अकाउंट। ठीक, एंड लास्ट एंट्री, एंट्री नंबर 10 क्या हो जाएगी, इसके बेसिस पे हो जाएगी कि पीएल एडजस्टमेंट भी हमें क्लोज करना है। अगेन हम बार बार कह रहे हैं कि सब कुछ ही पास्ट ईयर से रिलेटेड है, इसीलिए हम इसको क्लोज कर रहे हैं टू रॉयस कैपिटल अकाउंट। और कितना बैलेंस होगा बच्चे, ये दिया हुआ है 10,898 बीइंग पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर टू रॉयस कैपिटल अकाउंट। तो ओवरऑल एग्जाम में ये 10 एंट्रीज के बेसिस पे ही हमें मार्क्स मिलना है। तो इस एक क्वेश्चन के लिए हमने नो डाउट बहुत ज्यादा टाइम दिया, सो दैट हम प्रॉपर एक एक चीज एक्सप्लेन कर पाए। होपफुली ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, इसको नोटिंग के लिए अभी हम टाइम देंगे, बट उसके पहले प्लीज सब बुक पे, हम पेज नंबर बता रहे हैं, पेज नंबर पे आओ, पेज नंबर 2.109, पेज नंबर 2.109। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखोगे ना, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 सेम टॉपिक से रिलेटेड है। देख लो, शुरू में पढ़ देते हैं, कह रहा है मिस्टर ए क्लोज्ड हिज बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन सितंबर 30, 2016 इन स्पाइट ऑफ अ डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस। डिफरेंस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, द डिफरेंस वॉज 830 द क्रेडिट बीइंग शॉर्ट, इट वॉज कैरियड फॉरवर्ड इन सस्पेंस अकाउंट एंड इन 2017 मतलब नेक्स्ट ईयर फॉलोइंग एरर्स वर लोकेटेड। लास्ट में देखो बोला है पास्ट जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द एरर्स, हैव यू एनी कमेंट्स टू मेक। तो सिंपली हमें क्या करना है कि इसी तरीके से जर्नल एंट्री पास करनी है, सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे, पीएल अकाउंट बनाएंगे, क्लोज करके उनकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इस एक इलस्ट्रेशन के अलावा यही एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, एंड मेरी गारंटी है कि आराम से आपसे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा और कहीं पे भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इफ इन केस अगर आपसे क्वेश्चन ना सॉल्व हो पाए या किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना। आज के लिए मेरा टॉपिक बस इतना सा ही था, इसको नोट कर लो, ये क्लास हम लोग आज ही खत्म कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।